जय हिंद स्पिरेंट्स आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एस एस बी क्रैक एग्जाम चैनल सो मैं आज आप सबसे बात करने आई हूँ एक और नए टॉपिक पर और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ सीओपी ट्वेंटी एट कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्वेंटी एट जो की हो रही है हमारी यू ए दुबई में समझानेंगे आज के पूरे लेक्चर में कि कौन सी कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड जो हर एक कंट्री का क्या एजेंडा रहेगा इसको लेके तो हम पूरे लेक्चर में आज हम इसके बारे में जानेंगे तो चलिए सो न्यूज अपडेट चलिएट रिलेटेड टू हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी कहा जा रहे हैं टू अटेंड एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड हो रही है इन दुबई फ्रॉम स्टार्ट होगी नवंबर थर्टी से एंड इट विल लास्ट टिल विल्वेल्व डिसंबर बेसिकली ट्वेंटी एथ नवंबर से स्टार्ट आज के दिन से ही ये स्टार्ट हो रही है लेकिन मोदी जी जाएंगे दो दिन के लिए दैट इज ऑन थर्टी एंड एंडिसम्बर वन बात करें

क्या उसमें अचीवमेंट है एंड टू डिसाइड ऑन द मेजर्स के लिए कैसे काम कर सकते हैं हम जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है क्या तो उसके लिए जो शॉर्ट टर्म हम यूज करते हैं दैट इज सीओपी सो बेसिकली दिस इज द ग्रुप ऑफ 198 कंट्रीज जिन्होंने एग्री किया है जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रीटी जो है साइन की है ऑन व्हाट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो जिन्होंने भी इसके लिए साइन किया है उन सबका जो एक समूह है जो एक ग्रुप है उसी को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और कंपनी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं सीओपी और ट्वेंटी एट का मतलब है दैट दिस इज द ट्वेंटी एडिशन वी आर हैविंग फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस तो चलिए बात करते हैं बारी बारी हर एक कंट्री को लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना की जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जिसको बोला जाता है तो चाइना जो है वो वर्ल्ड में क्लीन और डर्टी एनर्जी दोनों के लिए ही लीड कर रहा है जहां बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी की और साथ ही कोल कंजम्पशन की जो कि एक हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की तरफ देखें तो चाइना में दोनों ही चीजें सुप्रीम ज्यादा ही चल रही हैं 30 परसेंट एनुअल ग्लोबल एमिशन चाइना करता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है बीजिंग वहीं पे आर्ग्यू कर रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हैं जो उन्होंने पहले हिस्ट्री में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हम जानते हैं इस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ही सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेके ही सबसे बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क है क्लाइमेट चेंज जो हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं दैट इज ऑल ड्यू टू द कार्बन एमिशन सो द पॉइंट इज उन सब चीजों को टैप करने के लिए उनको कंट्रोल में रखने के लिए हर कंट्रीज को एक नॉर्मल अमाउंट में एमिट करने का बात की गई है सो so द पॉइंट इज इसमें चाइना का कहना यह है कि जो हमारी ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे स्पेसिफिकली यूएस की उन्होंने बात की तो उनको सबसे पहले मूव लेना चाहिए उनको सबसे पहले क्लाइमेट पॉलिसीज़ जो है अडॉप्ट करनी चाहिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि हिस्टोरिकली इन लोगों ने ऑलरेडी ये डेवलप हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रखे हैं सो so इस से के साथ चाइना एजेंडा लेके आ रहा है बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक सेकेंड बिगेस्ट एमिटर जैसे बात की तो में जो US है वो आ रहा है अपना डॉलर थ्री सिक्सटी नाइन बिलियन प्लस का सब्सिडी पैकेज डिजाइन किया है फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड अदर ग्रीन प्रोडक्ट्स सबसे बड़ी बात इनमें जो है इनका दैट यूएस का दैट इज द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल द कंट्रीज क्लीन एनर्जी कैपेसिटी कैपेसिटी बाय 2030 यूएस एंड यू टू टू जॉइन अ प्लेज ट्रिपल रिन्यूएबल दिस डिकेड बोलने का मतलब है कि अगर बात करें हम यूएसए की तो यहां पे देखने में यह मिल रहा है कि इनका जो पूरा का पूरा फोकस है दैट इज टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम काम करें बट यहां पे बात यह है कि ये चाहते हैं ये हम खुद तो कर ही रहे हैं आर ऑलरेडी इन टू इट बट द पॉइंट इज बाकी कंट्रीज भी इस पे एग्री करें लेकिन हम आगे जानेंगे कि बाकी कंट्रीज का इस पे क्या कहना है रीजन बीइंग क्योंकि हर एक कंट्री डेवलप्ड नहीं है कुछ कंट्रीज अभी लीस्ट डेवलपिंग फेज में भी है सो so, ऑफकोर्स उनके लिए वो बेसिक जो हमारे पास कोल नेचुरल गैस ये सब चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यूएस so का कहना है कि वो सभी कंट्रीज को इस चीज में डालना चाहते हैं कि प्लेज कीजिए कि ट्रिपल करें रिन्यूएबल कैपेसिटी को और जो बाकी, जो बाकी बाकी चीजें कोल कंजम्पशन ये वो चीजों पर रोक लगाई जाए बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की तो इनका जो एजेंडा है दैट इज वन ऑफ द जिसको आप कह है सकते हैं कि सबसे एक एम्बिशियस एजेंडा लेके आ रहे हैं सो so इनका कहना ये है कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके अंदर हम कैप्चर करते हैं मिशन को उन्हें हमें रेयरली यूज करना है लेकिन हमें स्विच कहां करना है बेसिकली ये भी ग्रीन एनर्जी की बात ही कर रहे हैं लेकिन यहां पे क्लैश आ जाता है और क्लैश जैसे कि मैंने आपको भी बताया, fuels, अभी बताया बिटवीन द दू एंड द कंट्रीज दैट आर रिलायंट ऑन द फॉसिल फ्यूल्स जो कि कंट्री स्टिल अभी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही रिलायेबल है वो कंट्रीज कैसे इस चीज पे काम कर सकती है येस दे आर ट्राइंग फॉर की अमिशंस को हम ट्रैप कर लें मिनिमाइज कर लें बट द पॉइंट इज अगर उनको आप ये कहेंगे कि आप पूरा का पूरा इसको हटा ही दीजिए सो दैट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल बिकॉज उनके पास सेकेंड ऑप्शन अभी तक नहीं है दे आर ऑलरेडी अभी तक उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है सो दे आर ऑल रिलेबल ऑन अ बेसिकली दिस ऑल थिंग फॉसिल फ्यूल्स पर है बात करें कुछ और कंट्रीज की जैसे कि ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया चाइना जो कि अभी हमारी फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आ रही हैं, सो so इंडिया भी इसमें सबसे पहला नाम जरूर आता है इस इन सब कंट्रीज का कहना यह है कि जो कंट्रीज ऑलरेडी तो डेवलप्ड है उनको क्लाइमेट फाइनेंसिंग और इक्विटी के लिए हमें हेल्प करना चाहिए थ्रू दी एन एफ सी कंसेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबल मीनिंग रिच कंट्रीज दैट एमिटेड द मोस्ट हिस्टोरिकली शुड डू मोर टू एड्रेस द प्रॉब्लम जिन्होंने ऑलरेडी हिस्ट्री में पहले कुछ साल पहले जो ऑलरेडी एमिट कर चुके हैं उनको सबसे ज्यादा जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग में काम करना चाहिए तो ये बात आई है बाकी कंट्रीज की बात करें जी77 और चाइना की तो इसमें 77 डेवलपिंग कंट्रीज का ये अलायंस है इनमें भी यही कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड पे जो कट करने की बात है उस पे इन्होंने कहा है अब इनके आगे जो क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जो चाइना एक जो नॉर्मली एक बड़े स्केल पे काम कर रहा है टुवर्ड्स द क्लाइमेट एक्शन क्या जी77 भी वहां पर चाइना के रास्ते पे चलेगा या उनका एक अलग से जो छोटे छोटे गोल्स हैं लेके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को लेके ये उस पर काम करेगा अफ्रीकन ग्रुप ऑफ नेगोशिएटर्स अफ्रीकन कंट्रीज का इसमें कहना है जो ट्वेंटी चल रही है कि क्लाइमेट फाइनेंस एंड फाइनेंस के लिए जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है उनपे हमें फोकस करना चाहिए स्पीड विदीड वी शुड कंप्लीट ऑल दफ्रीकन कंट्रीज इंक्लूडेड जिसमें बात करें अगर अफ्रीकन कंट्रीज में बात करें इसमें भी दो ग्रुप्स बन चुके हैं सो so, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केनिया इथियोपिया है कि फोसेल फ्यू

ना लास्ट इयर्स आर अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट जिसको हम AOSIS के नाम से भी जानते हैं सो so, ये वो आइलैंड्स हैं जो कि वल्नरेबल है क्लाइमेटिक इफेक्ट्स पे तो आइलैंड कंट्रीज है तो ये जरूर बात कर रहे हैं कि आप फेज आउट कीजिए फॉसिल फ्यूल्स को जो ग्लोबल वार्मिंग 1.5 सेल्सियस वाला जो डिसाइड हुआ था प्लीज उस पे ध्यान दीजिए थ्रेसोल्ड बियॉन्ड विच आइलैंड नेशन फेस कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट इम्पेक्ट्स बिकॉज आइलैंड स्टेट हैं तो ऑफकोर्स ये बिल्कुल उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट देखने को हमें मिलता है ना विल टॉक अबाउट द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ग्रुप जो कि एक 47 सेवन नेशंस का एक ग्रुप है इसमें भी यही कहा गया है कि लॉस एंड डैमेज बी एड्रेस इज वॉन्ट रिच नेशन टू डबल देयर फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन वापस से जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो लीड डेवलपिंग कंट्रीज है या आईलैंड स्टीट है उन सबका यही कहना है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है उनको हमारी हेल्प करनी चाहिए उनको फाइनेंसिंग को डबल करना चाहिए ताकि जो भी हमने गोल सेट किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड हम उनको जल्दी से एक्सेप्ट

But stop short of setting major climate goals france फ्रांस by the united states plan to seek a halt to private financing for coal based power plants there during the UN climate conference. तो इसमें कहना ये है कि जो ये कंट्रीज है चाहे फ्रांस है यूनाइटेड स्टेट्स है उनका कहना ये है कि जहां पे भी हम फाइनेंस करते हैं हम उनको वहां पे रोक देना चाहिए अगर वो कोई भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हो हमें उनको फाइनेंस नहीं देने चाहिए बात करें इंडिया का इसमें इशू कहा आता है कि इंडिया इस फेवर सच प्लान डिवाइडर नेशन इशू यहाँ पे इंडिया के साथ कि इंडिया का सेवेंटी थ्री परसेंट जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ कोल ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जीज सो नॉन फॉसिल कैपेसिटी जो है हमारी दैट इज द 44 परसेंट बट स्टिल 73 परसेंट वी आर ऑन अ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स दिस इज द बेसिकली इशू सो अभी बात की जाए सिर्फ एजेंडा की तो ये सब कंट्रीज के एजेंडा जो फिक्स है तो जहां uh, no uh, uh, पर कुछ कंट्रीज ग्रीन एनर्जी नो डाउट इट इज अड ऑफ द आर जो क्लाइमेट चेंज के हमें देखा जा रहा है बट द पॉइंट इज की कंट्रीज का कहना यह भी है कि अभी जो आप लोग ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं अबाउट द ग्रीन एनर्जी एंड ऑल बट द पॉइंट इज वी आर अ डेवलपिंग नेशन वी डोट हैव

एंड uh, आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एंड वायल एंड रोलिंग यू कैन यूज कोर्ड ऑल्सो वी ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर द एस एस बी इंटरव्यूज एंड सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं एंड uh, हर महीने हमारे बैचेस हैं यू कैन ज्वाइन दैट कोर्सिस इन दिससेज एनडीए सी डी एस एफ कैट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोर्ड जो की है वॉरियर टेन uh, जैसे आप इस कोर्ड को अप्लाई करेंगे यू विल गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स सो द रे थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एस इंटरव्यू एनडीए सी डी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं